हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और हम इस वक्त जा रहे हैं गाजियाबाद राजेंद्र नगर में अमित शर्मा जी के यहाँ, जो बीएसएफ में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उनकी जो वाइफ है शक्ति सालनी जी, उन्होंने मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई किया था और फिनाले तक वो पहुंच गई थी। आइए हम उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम बात कर रहे हैं शक्ति सालनी जी से, जो मिसेस इंडिया के टॉप 5 में पहुंची थी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ तक का मुकाम इनका कितना और कैसा रहा। स्वागत है आपका हमारे शो में, और बताइए आप अपने बारे में, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंची आप, क्योंकि आज के टाइम में एक शादीशुदा मैरिड वुमेन को यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप किस आज के समाज में लोगों के लिए, आज के लेडीज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही, मतलब कि यह यही है कि आपको देखो उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था। और फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ी रहती हूँ, तो मैंने वहीं पे देखा था, तो मैंने कहा एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ कि क्या मैं इस टाइम पे आगे बढ़ सकती हूँ या नहीं बढ़ सकती हूँ। और धीरे धीरे मैंने फिर अप्लाई करा, राउंड क्लियर होते गए एंड फाइनल तक मैं पहुँच गई। फाइनल जाके फिर वहाँ पर मुझे सब टाइटल मिला, तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था 2017 के अंदर। और बस अभी आगे यही है कि आगे बढ़ते जाना। आपको जो टॉप 5 में जो आपको टाइटल मिला है, क्या मिसेस इंटरनेशनल? अच्छा, आगे आपके क्या प्लान है? बस आगे इसी तरह के इवेंट को ज्वाइन करना है, और फीमेल्स के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मेरा है कि मैं उनके लिए कुछ काम करूं, और शॉर्ट मूवीज वगैरह मेरे जैसे चल रहे हैं, शूट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो बस यही कि मेरे लिए मैं बस आगे पहुँचूँ, अपनी चोटी तक मुकाम तक पहुँच पाऊँ, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा। इससे पहले को जो आपकी शॉर्ट मूवीज, कुछ नाम बताने चाहिए? शॉर्ट मूवीज मेरे एक्चुअली कारवा प्रोडक्शन के साथ में था, और अभी फिलहाल मैं ज़ारा के साथ काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, पर स्टार्टिंग है, पहली सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, और भगवान ने चाहा तो शायद लास्ट सीढ़ी तक भी पहुँच ही जाऊँगी। अगर जैसे आपने इतना सारे कॉन्टेस्ट में जैसे भाग लिया, तो आगे अगर जैसे कोई आपकी तरह बनना चाहे, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है, क्या सुझाव देना चाहिए? उनके लिए मैं कहूँगी मंजिलें दूर नहीं है, थोड़ी मुश्किल आती है, पर अगर आप लगातार चलते जाएंगे तो एक दिन अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि आपके हस्बैंड जी, तो उनसे आपको क्या कुछ सीखने के लिए, तो हमने क्या कुछ आपको मोटिवेशन बातें बताई? मोटिवेशन सबसे ज्यादा तो अनुशासन मैंने उन्हीं से सीखा है जी। और उनको ये है कि कोई भी काम करो तो मन लगा के करो, जब तक कि तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। तो सबसे ज्यादा जो कुछ भी आज मैं हूँ, तो शायद उनकी हेल्प और उनके सपोर्ट के साथ ही होंगी, अदरवाइज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता या फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे हमारे देशवासियों को आपका क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मैं संदेश देना चाहूंगी अपनी सेना के जवानों को कि आज एक्चुअली मैं मानती हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़े हीरो वही हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम सेफ हैं और आज लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और बस मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, तहे दिल से बधाई है कि बस 26 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। और मोदी सरकार में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सोचा जा रहा है, 3 तलाक पे भी बात चल रही थी, आज वो भी सक्सेसफुल रहा, तो महिलाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी, पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने वुमेन के लिए इतना सोचा जी, कि उन्होंने 3 प्रथा वाला जो 3 तलाक प्रथा पे रोक लगाई। मैं चाहूँगी कि दहेज पे और बेटी बचाओ इन सब पे भी उनको आगे उठाने चाहिए अपने कदम, ताकि देश में जितना भी शोषण हो रहा है महिलाओं के ऊपर उस पर कुछ रोक लगे। और मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान दें, ताकि बेटी बढ़ेगी तो अपने आप ही इन पे कंट्रोल होगा, इन प्रथाओं पे रोक लगेगी।
शक्ति जी आपकी क्या लगती हैं? शक्ति जी मेरी सिस्टर है। तो शक्ति जी की कौन सी शक्ति आपको बहुत पसंद है या उनमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको नजर आती है? वैसे तो उनमें बहुत सारी शक्तियां हैं। अच्छा। पर अगर देखा जाए तो वो लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेती हैं और उनका हमेशा मुस्कुराते रहना उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे सबसे अच्छा लगता है, उनकी बेस्ट चीज है। आपका नाम? दीप्ति। बड़ी सिस्टर है आप छोटी सिस्टर है? मैं छोटी हूँ। अच्छा, क्या करे दीदी इतनी खूबसूरत है, दीदी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपकी दीदी के साथ आपके बचपन से तक सबसे बेस्ट मोमेंट? वैसे तो उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है, बट डेफिनेटली हम जो भी स्कूल डेज में साथ में थे तो वो बहुत परेशान थी, शी इज द नॉटीएस्ट वन। तो अभी करती है बहुत ज्यादा। अब हम चलते हैं शक्ति जी के सन के पास, अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या फील करती है, करते हैं अपनी मम्मी को लेकर कि उनकी मम्मी अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। चलिए, आपकी मम्मी सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो दोस्तों के बीच में किस टाइप के कमेंट्स मिलते हैं या आपको क्या फील होता है? मेरे को मम्मी पे काफ़ी प्राउड होता है क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच के अपने लिए एक नाम बनाया, फेम मिला उन्हें, तो यही है। फ्रेंड्स वगैरह भी प्राउड फील करते हैं कि भाई तेरी दोस्त, तेरे मम्मी क्या कहते हैं, एक सेलिब्रिटी बन गई है। पापा आपके BSF में हैं, मम्मी सेलिब्रिटी बन गई, तो पापा भी पहले उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, मम्मी भी अब सेलिब्रिटी बन गई है, तो मम्मी भी क्या आप टाइम दे पाती हैं? हाँ, टाइम तो वो मिल जाता है। सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? दोनों ही करते हैं। फिर भी मम्मी सेलिब्रिटी है तो पापा का तो बाहर रहना होता है तो घर में तो मम्मी से ही प्यार मिलता है। मम्मी से ही प्यार मिलता है। तो अभी हमने बात किया इनसे और जाना कि मम्मी सेलिब्रिटी जरूर बन गई है लेकिन अब भी वो टाइम देती है इन्हें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए dailynewsonline.in। मैं हूँ मुकुल कुमार, गाजियाबाद। हर दम हर पल जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।